आदिवासी परिवारों को पक्के घर की गारंटी दी है। अभी तक इसके तहत देश में 4 करोड़ परिवारों को अपने पक्के घर मिल चुके हैं। यहां एमपी में भी अभी तक लाखों घर गरीब परिवारों को दिए जा चुके हैं और आज भी इतनी बड़ी मात्रा में घरों का लोकार्पण किया गया है। जब इन लोगों की सरकार दिल्ली में थी तब गरीबों के घर के नाम पर भी सिर्फ लूट होती थी। ये लोग जो घर बनवाते थे वो रहने लायक भी नहीं होते थे। देश भर में ऐसे लाखों लाभार्थी थे जिन्होंने कभी उन घरों में पैर तक नहीं रखा, लेकिन आज जो घर बन रहे हैं उनमें खुशी खुशी गृह प्रवेश हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये घर हर लाभार्थी बहन भाई खुद अपने हिसाब से बना रहा है, अपने सपनों के अनुरूप, अपनी जरूरतों के हिसाब से अपना घर बना रहा है। हमारी सरकार जैसे जैसे काम होता जाता है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से मॉनिटर होता है और तुरंत उसके खाते में सीधे पैसे भेज देती है। कोई चोरी नहीं होती है, कोई कट की कंपनी नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं और उसका घर बनना हो आगे बढ़ जाता है। पहले घर के नाम सिर्फ 4 दीवारें खड़ी होती थी। आज जो घर मिल रहे हैं इनमें टॉयलेट, बिजली, नल से जल, उज्ज्वला की गैस, सब कुछ एक साथ मिलता है। आज यहां ग्वालियर और श्योपुर जिले के लिए अहम जल परियोजनाओं का भी काम शुरू हुआ है। ये भी इन घरों में पानी की सप्लाई में मदद करेंगे। साथियों, इन घरों की लक्ष्मी यानी मेरी माताएं बहनें घर की मालिक हो ये भी मोदी ने सुनिश्चित किया है। आपको पता है ना कि पीएम आवास योजना के घरों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम भी होती है। पीएम आवास योजना के घरों से करोड़ों बहनें लखपति हुई है। जिनके नाम कोई संपत्ति नहीं थी उनके नाम पर लाखों के घर रजिस्टर हुए। आज भी जो घर मिले हैं उनमें से ज्यादातर घरों की रजिस्ट्री बहनों के नाम पर है। और भाइयों बहनों, मोदी ने अपनी गारंटी पूरी की है। मैं एक गारंटी आप बहनों से भी चाहता हूं। मैं जरा बहनों से पूछना चाहता हूं, मैंने तो मेरी गारंटी पूरी की, आप एक गारंटी देगी? आप मुझे गारंटी देगी? पक्का देगी? तो मुझे गारंटी चाहिए घर मिलने के बाद अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, कोई ना कोई कौशल सिखाना है, करोगे? आपकी इस गारंटी मुझे काम करने की ताकत देती है।